हो रहा है। ओके, कंटिन्यूइंग इन द मीन टाइम एंड देन पीपल कैन ज्वाइन मी अगेन। सो जैसे मैंने बोला, जो भी आप एक्यूट एंगल लोगे, आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ लिया। अगर आपने एक्यूट एंगल यहाँ लिया है तो ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा ए बी, बी सी विल बी एक्टिंग एज द बेस एंड ए सी विल बी एक्टिंग एज हाइपोटेनस। वेयर एज अगर आपने ए को फॉर एग्जाम्पल अगर कंसिडर किया हुआ है एज योर एक्यूट एंगल, देन बी सी विल बी द परपेंडिकुलर, ए बी विल बी द बेस एंड ए सी विल बी द हाइपोटेनस। ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ था, सेम चीजें वापस कर रहे हैं वापस। अब इन्हीं के बेसिस पे जैसे मैंने आपको बोला हमको पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तीन बेसिक रेशियोज है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज नोन एज साइन थीटा, इसको sin प्रोनाउंस नहीं करेंगे, साइन प्रोनाउंस करेंगे, तो साइन थीटा हो गया। दूसरा जो हमारा बेसिक रेशियो है वो है cos थीटा, cos थीटा। एंड द थर्ड बेसिक रेशियो दैट वी हैव इज टैन थीटा, TAN tan थीटा। अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना, आई राइट अ बिट बिगर एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। एनीवेज, तो ये तीन बेसिक रेशियोज है हमारे पास, साइन, कॉस और टैन। ऑब्वियसली सारे रेशियोज जो भी एक्यूट एंगल आपने कंसिडर किया है उसके लिए वर्क करेंगे। रेशियोज है तो ऑब्वियसली ये तीन पी बी और एच के अलॉन्ग रेशियोज बनते हैं। साइन थीटा इज ऑलवेज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज ऑलवेज गिवन बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टैन इज ऑलवेज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो तीन रेशियोज हैं इनको याद रखने के लिए मैंने आपको पिछले साल भी इनफैक्ट तीन जिंगल्स बताए थे, आपकी चॉइस है, आप कोई भी जिंगल याद रख सकते हो उसको। तो पहला जिंगल कौन सा था? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, एक तो ये जिंगल था। दूसरा ऑब्वियसली वॉज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सो एंड अक्षत ऑब्वियसली रिमेम्बर्स द थर्ड वन, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, राइट। तो दीज वर द थ्री जिंगल्स दैट वी हैव। ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, आप किसी से भी याद रखो, आपकी चॉइस है आप डायरेक्टली याद रख लो, अच्छी बात है। बट याद रखना अगर जिंगल्स आप बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जिंगल बनाते हो, तो याद रखना पहले न्यूमरेटर्स है सारे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ऐसे मत कर देना, पंडित बद्री ऐसे मत कर देना बस, नहीं तो ऑब्वियसली वो रेशियो काम नहीं करेगा यहाँ पे। सो दीज आर द थ्री बेसिक रेशियोज दैट वी हैव, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इसके अलावा तीन रेसिप्रोकल रेशियोज है हमारे पास। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज रिटन एज कोसेक थीटा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज रिटन एज सेक थीटा एंड टैन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज रिटन एज कॉट थीटा। एंड ऑब्वियसली रेसिप्रोकल्स हैं तो कोसेक थीटा विल बी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा विल बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉट ऑब्वियसली विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तीन बेसिक रेशियोज है अपने पास, साइन कॉस और टैन, और तीन उनके रेसिप्रोकल्स हैं कोसेक सेक एंड कॉट। एक्यूट एंगल जो रहेंगे उनके अकॉर्डिंगली इन रेशियोज को डिफाइन करना है, इसको ऑब्वियसली अभी अपन और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स, इसको नोट कर लो प्लीज जल्दी से, एंड सो दैट ऑब्वियसली इसको फिर कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। टॉपिक डाल लो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्राइंगल बना लेना, कोई भी ट्राइंगल बना लो, ये वाला बना लेना अभी के लिए, ये वाला मत बनाना, इसको हटा ही देता हूँ अभी के लिए। फिर मैं जस्ट मेक दिस ट्राइंगल एंड मेक अ नोट ऑफ दीज रेशियोज। एक बार जब ये हो जाए तो मुझे बता देना प्लीज, चैट में बता दो या व्हाट्सएप में बता दो कि हो गया, सो दैट मैं आगे बढ़ूंगा फिर उस पर। ओके, अक्षत इज डन विद दैट, बाकी लोग जल्दी से लिख के बताओ भाई। ओके दिव्यांश यू डन, गुड जॉब। बाकी लोग समृद्धि, दूसरा दिव्यांश, अनुष्का, जल्दी नोट करो और बताओ।
हो गया भाई, बाकी लोगों का भी जल्दी करो यार। ओके अनुष्का डन, समृद्धि ओके, सो आई एम जस्ट गोना अज्यूम दैट एवरीवन हैज गॉट दैट पर्टिकुलर थिंग इन। इसको हटाता हूँ मैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं फिर और अपन। इसी पे काम करना है आज अपन को, वैसे भी रेशियोज के अलावा ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बेसिक रखेंगे बहुत ज़्यादा। ओके सो कंटिन्यूइंग नाउ अगेन, तो अपन लोगों ने क्या देखा है अभी तक। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है वापस एबीसी, वेयर दिस इज माय एक्यूट एंगल थीटा, ऑब्वियसली दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूस। तो इसके हिसाब से अगर ट्रायंगल के हिसाब से अगर आपको भी बोलता है कि भाई साइन थीटा लिखो, तो साइन थीटा अगर आपने जैसे अभी देखा इट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इफ इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस देन इस हिसाब से दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेन्यूस इज ए सी, ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई बोलता है कॉस थीटा लिखना है विच वॉज सपोज टू बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, देन ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, जो अपना बेस दिख रहा है और जो अपन को हाइपोटेन्यूस दिख रहा है उसका। थर्ड प्राइमरी रेशियो विच इज टैन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन दिस शुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, इसके हिसाब से ए बी इज द परपेंडिकुलर, बी सी इज द बेस। फिर इनके तीन रेसिप्रोकल रेशियोज एग्जैक्टली सामने लिखूंगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, याद रखना है साइन का कोसेक होता है, और किसी का मत कर देना, विच इज रिटन एज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब उल्टा करना है बेसिकली, सो दैट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली अगर आपको कोई बोलता है कि कॉस का अपन को रेसिप्रोकल करना है विच इज आइडियली सेक थीटा विच इज गिवन बाय हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस विच इज गोइंग टू बी रिटन एज ए सी अपॉन बी सी एज पर द ट्राइंगल ए सी अपॉन बी सी, एंड टैन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉट थीटा विच इज गिवन बाय बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और पूरा का पूरा ट्रिगो यहां से लेकर 12th तक इन 6 रेशियोज के ऊपर काम करेगा, इसके अलावा और कोई रेशियो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर क्लास में जाके चेंज हो जाएगा। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट विद द रिस्पेक्टिव रेशियो। साइन इज पी अपॉन एच, कॉस इज बी अपॉन एच, एंड टैन इज पी अपॉन बी। ऑब्वियसली यही याद रखना है, रेसिप्रोकल करना है तो बाकी तो याद हो जाएंगे अपने आप। ये एक छोटी सी चीज हो गई। अब इसी को अप्लाई करके कोशिश करते हैं। सपोज एक राइट ट्रायंगल ले लिया, सपोज मैंने पी क्यू आर, अब थोड़ा नाम चेंज करते, पी क्यू आर राइट एंगल डॉट क्यू फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज योर एक्यूट एंगल। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये 3 है और ये 4 है, तो सबसे पहले तो वी कैन फाइंड आउट पी आर, वी कैन फाइंड आउट पी आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगाओगे तो दिस विल कम आउट टू बी 5, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, ये हम लोगों ने लास्ट से भी पढ़ा हुआ है, बट नहीं आता तो ऑब्वियसली आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। अब अगर इसके अंदर आपको कोई बोलता है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, नाउ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि थीटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देन ऑब्वियसली 3 विल बी एक्टिंग एज अ परपेंडिकुलर, 4 विल बी एक्टिंग एज द बेस, एंड 5 विल बी एक्टिंग एज हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5। सिमिलरली अगर आपको बोलता है कॉस थीटा निकालना है विच इज एक्चुअली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट विल बी इक्वल टू 4/5। अगर आपको कोई बोलता है कि टैन थीटा निकालना है विच इज ऑब्वियसली गोना बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा 3/4। ये बड़ी सिंपल सी चीज आ गई। इसके अलावा साइन का रेसिप्रोकल, तो वी विल हैव कोसेक थीटा विच इज ऑब्वियसली गोना बी इक्वल टू 5/3, देन सेक थीटा विच इज गोना बी इक्वल टू 5/4, and cot theta which is the reciprocal of tan which is going to be equal to 4/3.
So this is how we can actually find out the ratios with the given values as well. कई बार कैसे हो जाएगा कि आपको एक रेशियो दे देंगे, बोलेंगे बाकी रेशियोज निकालो. तो अपन उस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे अभी. जल्दी से इसको नोट करेंगे पूरा का पूरा. एंड जस्ट लेट मी नो वंस यू गाइस आर डन विद दैट. जल्दी से इसको लिख लो एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद दैट. हो जाए तो बता देंगे प्लीज. ओके अनुष्का डन, दिव्यांश डन, अक्षय डन, दूसरा वाला दिव्यांश, समृद्धि, आयुष. हो जाए तो बताएं बेटा जल्दी से. हो गया भाई बाकी लोग, समृद्धि, दूसरा दिव्यांश, आयुष. ओके दिव्यांश इज डन, आयुष, समृद्धि हो गया बेटा. Okay, so I'm just going to hope that Samruti and Ayush are done as well. I'll just get this thing off so that I continue. Karte hain fir isko apan aur. Koi bhi doubt ho immediately point out karna bachche. Bahut basic cheez hai but bahut important topic hai. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज का जो यूनिट है और प्लस इसका जो अगला यूनिट आएगा नाइन्थ यूनिट एप्लीकेशंस, दोनों को मिला के 80 में से अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 मार्क का बनता है. तो छोटी मोटी चीज नहीं है. आइडेंटिटीज अगर अपन को करनी है बहुत अच्छे से तो बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. तो कोई भी डाउट हो इमीडिएटली पॉइंट आउट करो प्लीज. एम सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस नाउ. व्हाट वी हैव डन राइट नाउ इज What are the ratios and उनको apply कैसे करते हैं. अब और थोड़े से questions उठाते हैं और देखते हैं. Let's say एक right triangle given है ABC. अब question कैसे बन रहा है, for example कि इन लोगों ने question के अंदर एक particular ratio suppose अपन को दे दिया, कोई भी एक ratio हो सकता है, वो इन लोगों ने दे दिया और फिर आप उनको बोला कि बेटा दिव्यांश थीटा मतलब एंगल होता है, थीटा से अपन को डरने की बात नहीं, एंगल होता है कोई भी बस वो. तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अपन को कोई भी एक रेशियो देते हैं. सपोज उन लोगों ने अपन को इस बार थीटा नहीं बोला, उन लोगों ने ऐसे दे दिया, लेट्स से दैट साइन सी इज 6/10 और फिर बोला कि बाकी रेशियोज निकालो. बाकी रेशियोज मतलब कितने बचे हुए, 5 रेशियोज. कॉस बचा हुआ है, टैन बचा हुआ है, कोसेक, सेक और कॉट बचा हुआ है. ये पांचों रेशियोज हमको निकालने. बट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों ने एंगल जो दिया है वो सी के हिसाब से काम किया है. अभी तक अपन ने इसे थीटा लिया होता, इस बार उन लोगों ने सी के हिसाब से लिया. सी के हिसाब से लिया मतलब उन लोगों ने इसको एक्यूट एंगल मान के रखा है. अगर उन लोगों ने इसको एक्यूट एंगल माना हुआ है तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, जैसे अपन लोगों ने अभी देखा था. अब इन लोगों ने कौन सा रेशियो गिवन है अपन को, साइन दिया हुआ है और साइन होता क्या, कितना बेसिकली perpendicular upon hypotenuse. ये अभी अपन लोगों ने पढ़ा था. तो इसके हिसाब से जो ऊपर वाली चीज है वो होनी चाहिए perpendicular, जो नीचे वाली चीज है वो होनी चाहिए hypotenuse. तो मतलब perpendicular हो गया 6, hypotenuse हो गया 10.
ये एक बेसिक चीज मिल गई। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मैं तो आगे बढ़ूंगा। समझ में आया क्या इतना? सबको समझ में आया कि कोई प्रॉब्लम है? अक्षत को आ गया, बाकी लोग, दिव्यांश को भी आ गया। आयुष समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा। दिव्यांश आधा आ गया, आधा आ गया मतलब कि क्या नहीं आया समझ में, वो बता मेरे को फिर। क्वेश्चन में बोला है कि अपन को ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी और साइन सी, मतलब साइन और ये वाला एंगल के हिसाब से वैल्यू दी हुई है 6/10। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इन लोगों ने जो दिया उसके हिसाब से ऊपर वाली चीज क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। नीचे वाली चीज क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। तो इस हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो अपन ने लिख लिया उसको, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। इतना ही अपन ने किया अभी तक। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया अभी भी? ओके। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन को बाकी रेशियोज निकालने हैं। अब सपोज अपन को निकालना है कॉस या कोई निकालना है टैन। अब हमको पता है कि उसके अंदर बेस की वैल्यू भी लगेगी अपन को। अगर बेस भी लगेगा तो वो तो दिया ही नहीं इन लोगों ने, तो मतलब बीसी की जो वैल्यू है वो नहीं पता है। ए बी पता है 6 है, ए सी पता है 10 है। तो क्योंकि इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो आई कैन वेरी मच राइट दैट इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर should be equal to what? AC square. This is obviously as per the Pythagoras theorem. ये हम लोगों ने last year पढ़ा हुआ है, तो we already know this thing, right? अब अगर अपन इस Pythagoras theorem के हिसाब से इनकी values put करें, तो AB का square मतलब किसका square? 6 का square हो जाएगा। तो 6 का square plus of BC तो पता ही नहीं हमको। BC का square equal to AC का square मतलब किसका? 10 का square। तो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 100, विच इज 10 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसको अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस ऑफ 36। बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 64। यहाँ 100 माइनस 36 64 आएगा, फिर ये स्क्वायर हट के यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 होता है। मतलब बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई 8। तो अब अपने पास परपेंडिकुलर पता पड़ गया 6, बेस पता पड़ गया 8 और हाइपोटेनस पता पड़ गया 10। अब अपन को बोला है कि बाकी रेशियोज निकालो। बाकी रेशियोज मतलब सबसे पहले कौन सा? कॉस निकालना है। अब याद रखना है सी के हिसाब से करना है। तो कॉस सी, कॉस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका? सबसे पहले लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी दी है? 8। हाइपोटेनस कितना है? 10। तो कॉस की वैल्यू आ गई अपने पास 8/10। सिमिलरली अपन को निकालना है टैन सी। सपोज टैन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लिखा हुआ है अपन थोड़ी देर पहले। परपेंडिकुलर कितना है इसका? 6। बेस कितना है? 8। तो टैन की वैल्यू आ जाएगी 6/8। सिमिलरली कोसेक सी, कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल तो कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 10/6। इसके अलावा क्या है अपने पास फिर? सेक। सेक को भी अपन को ऑब्वियसली सी के हिसाब से निकालना है। तो ये हो जाएगा सेक सी, विच इज गोना बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, विच इज गोना बी इक्वल टू 10/8। एंड देन वी हैव द लास्ट रेशियो विच इज कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का होता है। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज 8/6। सो दिस इज हाउ बेसिकली जब आपको एक रेशियो गिवन रहेगा, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग रेशियोज। ऑब्वियसली एक रेशियो गिवन रहेगा, इसका मतलब वो एटलीस्ट दो वैल्यूज देंगे अपन को कोई भी। अगर दो वैल्यूज दी हुई है तो पाइथागोरस के हिसाब से आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई द एंटायर रेशियो थियोरी। बड़ी सिंपल सी थियोरी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे, जो समझ में नहीं आएगा वो बताएंगे, हो जाएगा तो बताएंगे प्लीज।
ओके दिव्यांश, गुड जॉब। बाकी लोग भी लिख लो भाई जल्दी से। अक्षर डन, गुड जॉब भाई। टैन थीटा होता है ना, थीटा की जगह सी लिखा है बस मैंने। अभी थोड़ी देर पहले लिखा है ना रेशियोस तूने टैन वगैरह के। सबका हो जाए तो बताएंगे प्लीज। ओके अनुष्का, गुड जॉब। बाकी लोग, दूसरा वाला दिव्यांश, समृद्धि, आयुष हो गया बेटा। ठीक है, बाद में बता दूंगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस वीडियो की तो देख लेना उसके अंदर। जिसका जो भी छूटा है शुरू से रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज रात तक आप लोगों को होपफुली, या कल सुबह तक। तो अगर जिसका छूट गया है तो आप देख सकते हो आप उसको आराम से। आयुष, समृद्धि लिखना हो गया क्या बेटा? हो गया हो तो बताओ, आगे बढ़े फिर। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठना बेटा, जब मैंने बोला लिखा है तो लिख लेना पूरा अच्छे से। ऐसा मत सोचना कि रिकॉर्डिंग है तो लिखना नहीं है, लिखोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है सब। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अज्यूमिंग दैट एवरीवन हैज डन दैट। क्विकली गेट दिस ऑफ। वापस इसी में थोड़े से वेरिएशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपन। कुछ रैंडम क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैं टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपके एनसीईआरटी के हैं, जिसके पास एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी निकाल सकते हो, जिसके पास नहीं है वो प्लीज डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन जब तक आप लोग बुक्स नहीं लेते हो। अदरवाइज आई विल राइट द क्वेश्चन हियर एज वेल, बट जिसके पास एनसीईआरटी निकाल सकते हो। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आप लोगों की 8.1, आई एम पिकिंग अप अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। 8.1 का इजी क्वेश्चन वैसे तो अपने किए हुए कई लोगों ने। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो आई एम जस्ट गोना राइट दिस एक्सरसाइज 8.1 पेजेस 181। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं अपन। अपन को वैल्यूज दी हुई है यहां पे। ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर, और अपन को वैल्यूज निकालनी है साइन ए की और कॉज ए की। अपन साइन ए कॉज ए नहीं, अपन सारे रेशियोज निकालेंगे, अपन 6 के 6 रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से राइट ट्रायंगल दिया हुआ है अपन को, विच इज राइट एंगल एट बी। अब जल्दी से एक बार आप लोग ट्राई कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को। 24 और 7 ए बी और बी सी मैंने मार्क कर दिया है, जिसके पास बुक नहीं है वो यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। और साइन और कॉस तो निकाल के दिखाओ, एटलीस्ट 2 रेशियोज निकाल के दिखाओ मुझे, बाद में फिर अपन बाकी रेशियोज भी निकालेंगे। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करो, हो जाए तो मुझे टाइप करके बता देना आंसर्स क्या है तुम्हारे। या इसके अलावा आप लोगों का जो लाइव सेशन है, जो आप लोगों का एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप देखोगे नीचे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटेंट लाइब्रेरी का। दिख रहा है क्या वो ऑप्शन सबको? कंटेंट लाइब्रेरी लेफ्ट बॉटम में।
कंटेंट लाइब्रेरी एक्चुअली क्या ऑप्शन है ना, वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू का। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब आप लोगों को मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो आप लोगों को जब क्वेश्चन हो जाए पूरा तो उसका फोटो लेके यहां से क्रिएट न्यू का ऑप्शन यूज करके अपलोड कर सकते हो यहीं पे, सो दैट मैं यहां से देख पाऊंगा कि भाई आप लोगों ने किया है तो सही किया है कि नहीं किया है। तो आप लोग वो ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें तो आप टाइप कर सकते हो बट सारी चीजें आप टाइप नहीं कर पाओगे। तो फिर आप लोग क्या करोगे, इमीडिएटली फोटो खींच के अपलोड कर दोगे यहाँ पे, सो दैट मैं उसको देख पाऊंगा। कंटेंट लाइब्रेरी क्रिएट न्यू से आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो जल्दी से ट्राई करो जरा इसको। ए बी दिया हुआ है 24, बी सी दिया हुआ है 7, साइन और कॉस निकालना है, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। इतना ट्राई करो जल्दी से, पहले क्वेश्चन करो। हो जाए तो बताएंगे प्लीज। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे प्लीज। ओके दिव्यांश, साइन ठीक है, कॉस बताओ कितना है। आयुष, अनुष्का, समृद्धि, अक्षत, ट्राई करो क्वेश्चन बेटा। कोई परेशानी हो तो बताओ। कॉस भी ठीक है दिव्यांश, गुड जॉब। बाकी रेशियोज भी निकाल लें, साइन कॉस तो निकाल ही दे, बाकी रेशियोज भी ट्राई कर लो। चार और रेशियोज हैं, टैन निकालो, कोसेक, सेक और कॉट भी निकालो। अक्षत गुड जॉब विथ कॉस। आयुष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, तो बहुत बार डिस्कनेक्ट वगैरह हो रहा है, रिकॉर्डिंग में देखेगा तो समझ में आ जाएगा, बट फिर भी कोई डाउट हो तो बता दो अभी। अनुष्का, समृद्धि, हो रहा है नहीं हो रहा है। अक्षत 7/25 कौन सा रेशियो भाई मेरे लिए, कौन सा है? गुड जॉब दिव्यांश। भाई जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, इसको नहीं आ रहा है एक बार जल्दी से देख लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आपको साइन और कॉस निकालने, अभी दो समझाया था फिर बाद में बाकी रेशियो देखेंगे। कौन सा एंगल के हिसाब से निकालना है अपन को, ए के हिसाब से निकालने को बोल रहे हैं। ए के हिसाब से मतलब ये वाला एंगल है, तो इसके हिसाब से जो भी इसके सामने वाली साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी, जो भी इसके साथ वाली साइड रहेगी वो बेस की तरह काम करेगी, और जो भी ये स्लैंटेड साइड रहती है जो 90 के ऑपोजिट रहती है वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होता है, उसमें कभी चेंजेस नहीं आते। अब हम लोगों को निकालना है साइन और कॉस। सबसे पहले तो दो साइड पता है हमको, ए बी पता है 24, बी सी पता है 7, तो पहले तो ए सी तीसरी साइड निकालो। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर,
ये सबको पता है ऑब्वियसली, पाइथागोरस थ्योरम है। अप्लाई कैसे होगा, ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, वो नहीं दिया है, वो निकालना है हमको। 24 का स्क्वायर बेसिकली इज 576, इसके अलावा 7 का स्क्वायर इज 49 एंड दैट विल एक्चुअली मेक इट ए सी स्क्वायर। ये हो जाएगा 625 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 25। तो यहां से हम लोगों ने ए सी की वैल्यू निकाली विच इज कमिंग आउट टू बी 25। अब हम लोगों को कौन कौन से रेशियो निकालने थे, दो निकालने थे, साइन निकालना था और कॉस निकालना था। साइन ए की बात करते हैं, साइन होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 है, तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई, 7/25। इसके अलावा एक और वैल्यू निकालनी थी हमको, कॉस निकालना था, कॉस कितना होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पे 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो क्वेश्चन के हिसाब से दो ही चीजें पूछी थी, साइन और कॉस, वो दोनों निकाल ली, बट अपन बाकी भी निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, टैन निकाल लेते हैं। टैन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, बेस कितना है 24 है, तो 7/24। इसके अलावा तीन और रेशियोज कौन कौन से हैं, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, कोसेक कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, परपेंडिकुलर कितना है 7। इसको आई जस्ट गेट दिस ऑफ, सेके निकालना है, सेके किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कितना हो जाएगा हिसाब से, हाइपोटेन्यूज 25, बेस 24, और जो लास्ट रेशियो विच इज कॉट विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, टैन का उल्टा है, तो मतलब 24/7 विच इज एक्चुअली बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट इज हाउ वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट ऑल द रेशियोज राइट नाउ। क्वेश्चन में दो ही पूछे थे बट बाकी भी निकाल सकते हैं अपन लोग। जिसका ये आए हैं सारे आंसर्स, गुड जॉब, जिसका नहीं आए वो समझ लो, नहीं समझ में आए तो बता दो, दो मिनट वेट कर रहा हूँ, जो लिखना चाहता है पूरा लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट है ये वाला, जल्दी से लिख लो, जो लिख रहा है हो जाए तो बता देंगे प्लीज। कोई डाउट हो तो बताओ। अनुष्का, अक्षत, समझ में आ गया बच्चों? नेटवर्क नहीं आ रहा है, मतलब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार मेरे भाई। इंटरनेट कनेक्शन आपको थोड़ा सा स्टेबल रखना पड़ेगा बच्चों, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर ऐसे ही ऑन ऑफ होता रहेगा आप लोगों के लिए। नोट कर लो जल्दी से इसको, एंड व्हाट वी आर गोना डू इज दैट वी आर गोना एंड द सेशन हियर इटसेल्फ टुडे, क्योंकि बहुत टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं आप लोगों को। अब एटलीस्ट आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हम लोग लाइव होने वाले हैं। कल हम लोग साइंस की क्लास रखने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा रिकैप दूंगा और उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करूंगा। तो वापस अराउंड 1.5-2 घंटे का सेशन रहेगा कल का भी, टाइमिंग्स आप लोगों को मैसेज में मिल जाएगा, बट अराउंड यही रहेगा, 3:30-4 के आसपास ही क्लास रहेगी आप लोगों की, 3:30 के पहले तो नहीं, 3:30 के आसपास ही क्लास रहेगी आप लोगों की, ठीक है। तो राइट नाउ भाई सब लोगों ने लिखना हो गया तो बता दो, आई विल जस्ट स्टॉप द शेयरिंग एंड आई विल एंड द सेशन हियर इटसेल्फ, और कल का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। We'll have a science class tomorrow. वापस अराउंड 1.5-2 घंटे का सेशन लेंगे अपन।
इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी वापस आपके ऐप में ही आप लोग देख सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन में यू गाइस कैन प्ले दैट। हो सकता है पूरी रिकॉर्डिंग ना हो क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग क्लास थोड़ा सा ओवरशॉट हो गया, क्योंकि 4:45 तक की क्लास थी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ ये पूरा लिख लो, कल के सेशन में पूरी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी पूरी। फिर हो गया भाई सबका? दिव्यांश, आयुष, समृद्धि, ओके दिव्यांश, दोनों हो गया बेटा लिखना। Okay, so I'm going to be stopping the sharing and I'm going to end the session now. I'll see you guys tomorrow. I'll have the notification sent to you guys. Bye-bye. Take care. You're welcome, Peter. Good night. God bless.